फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय हैप्पी प्लेस, माय टेरेस गार्डन। मैं शिल्पा, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ गार्डनिंग में व्यस्त और मस्त ही होंगे। फ्रेंड्स, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप जब भी अपने विंटर के लिए सॉइल प्रिपेयर करें तो प्लीज़ आप जो भी पॉटिंग मिक्स बनाएंगे उसकी रेसिपी हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आज बना रही थी अपने क्रिसेंथेमम के लिए पॉटिंग मिक्स, तो चलिए देखते हैं कि मैं अपने पॉटिंग मिक्स में क्या क्या यूज़ करती हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं लेती हूँ एक पार्ट गार्डन सॉइल का। तो ये मेरी गार्डन सॉइल नहीं है, ये मैंने फ्रेश सॉइल मंगवाई है जो मेरे टेरेस पे मैं पॉटिंग मिक्स में यूज़ कर चुकी हूँ, वो वाली सॉइल नहीं है, ये पूरी फ्रेश सॉइल है, ये मैं मंगवाई हूँ। अगर आप लोगों के पास फ्रेश सॉइल मंगाने का ऑप्शन नहीं है तो आप लोग बिल्कुल अपने गार्डन में जो आप लोगों ने पहले अपने पॉटिंग मिक्स यूज़ करी हुई है पहले जो, वही आप धूप में 2 से 7 दिन तक आप अच्छे से उसको धूप में सुखा लीजिएगा, उसको रिचार्ज कर लीजिएगा और फिर वो सॉइल आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने एक पार्ट लिया है गार्डन सॉइल, एक पार्ट से भी थोड़ा कम ही लिया है, मैं गार्डन सॉइल थोड़ा कम यूज़ करती हूँ। तो एक पार्ट मेरा ये गार्डन सॉइल हो गया, आप जब लेंगे तो एक पार्ट ही लीजिएगा। एक पार्ट गार्डन सॉइल हो गया है, एक पार्ट मैंने लिया है कोकोपीट का। ये देखिए, अगर आपके यहाँ पे कोकोपीट अवेलेबल नहीं है तो आप जो चावल की धान होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं, या कोई सी भी आपके यहाँ पे जो धान की जो वो भूसी निकलती है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने भी मंगवाई है पर मेरी नहीं आ पाई, इसलिए मैं अभी तो कोकोपीट ही यूज़ कर रही हूँ। कोकोपीट हम थोड़ा कॉस्टली ज़रूर पड़ता है बट अब और कोई ऑप्शन अभी मेरे पास है नहीं तो मैं कोकोपीट ही यूज़ करती हूँ। फिर एक पार पोर्शन हो गया हमारा कोकोपीट का, ये हमें वाटर को रिटेन करके रखने में हमको ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है, ये बहुत अच्छी तरीके से सॉइल में जो है वो मॉइस्चर बना के रखता है। इसके बाद एक पार्ट हम लेंगे कंस्ट्रक्शन वाली रेत, जो रेत है, अगर आप लोगों के गार्डन सॉइल में पहले से ही रेत है तो आप थोड़ा रेत का इश्यू आप कम लीजिएगा। मेरी तो ये सॉइल जो है ये पूरी ही फ्रेश सॉइल है, इसलिए मैंने पूरा एक पार्ट जो है वो सैंड का लिया है। तो इस तरीके से एक पार्ट मैंने इसमें सैंड ले लिया है। उसके बाद हम जो लेंगे वो है एक पार्ट जो है मैंने लिया है इसमें 30% के हिसाब से इसमें मैंने लिया है गोबर की खाद। तो ये गोबर की खाद आप देख सकते हैं बहुत ही काली और एकदम कंपोज हो चुकी है। गोबर की खाद आपकी कम से कम 2-2.5 साल पुरानी होनी चाहिए, इतनी पुरानी ना भी हो तो आप ये चेक करके ज़रूर लीजिएगा। इसकी यही निशानी है कि जो खाद है वो एकदम से काली हो जानी चाहिए, तो ये एकदम काली और पुरानी खाद है, तो ये मैंने ली है एक पार्ट। इसके बाद जो चीज़ मैंने सबसे मेन यूज़ करती हूँ वो है मेरी किचन वेस्ट कंपोस्ट। किचन वेस्ट कंपोस्ट का पोर्शन पार्ट जो है वो मैंने इन सबसे थोड़ा सा ज़्यादा ही रखा है, क्योंकि मुझे किचन वेस्ट, ये हमारे विंटर के फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं और विंटर के प्लांट्स जो होते हैं वो बहुत कम टाइम के लिए रहते हैं और बहुत हैवी ब्लूम देते हैं, तो हमें उस हिसाब से उनका जो फूड है वो भी बहुत अच्छी तरीके से हमें देना होता है। तो हम सॉइल को इतना ज़्यादा रिच बनाएं जिससे कि वो हमारा, हमको बार बार हम ऊपर से उसमें अगर फर्टिलाइज उसको नहीं भी करते हैं तो भी ये हमारा सॉइल जो है वो बहुत रिच होनी चाहिए। तो मैं हमेशा ही ये आप लोगों को बताते आई हूँ कि गार्डन वेस्ट की से बनी हुई जो मेरी किचन वेस्ट से बनी हुई जो मेरी खाद रहती है वो मैं हमेशा विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स में बहुत ज़्यादा अप्लाई करती हूँ। तो मैंने एक जो मेजर पोर्शन है वो मैंने लिया है किचन वेस्ट कंपोस्ट का। आप लोगों के पास नहीं है आप वर्मी कंपोस्ट भी इसकी जगह पे यूज कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट नहीं भी है तो आप इसे टोटली स्किप करके सिर्फ काउडंग कंपोस्ट से भी काम चला सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद जो सबसे मेन चीज़ मैंने मिलाई है मेरे घर की बनी हुई ये लीफ कंपोस्ट है, पूरी पत्तियों से बनी हुई। इसकी रेसिपी अगर आप लोगों को देखनी हो तो आप, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप किस तरीके से इसे बनाया जाता है वो मैंने दिखाया है, साथ में इसका अपडेट का भी मैंने एक वीडियो बनाया है। तो ये हमारे प्लांट्स के लिए इतनी ज़्यादा बेनिफिशियल होती है कि इसकी कहीं कोई कंपेरिजन ही नहीं है, बहुत ही ज़्यादा ये न्यूट्रिएंट्स से भरी हुई होती है और हमारे प्लांट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। तो ये मैं एक पोर्शन जो है मैं वो ये ले लेती हूँ। तो किचन वेस्ट कंपोस्ट और लीफ मोल्ड को मिला के ही हमारी सॉइल जो है वो इतनी रिच और फर्टाइल हो जाती है कि यही हमारे पूरे विंटर में हमारे प्लांट्स में फ्लावरिंग जब होती है तो हमें मज़ा ला देती हैं। तो इसके बाद फिर मैंने जो मिलाया है वो सबसे मेन चीज़ है फंजीसाइड पाउडर। तो आपको इसमें फंजीसाइड पाउडर भी लेना है, आप अपने जितना भी आप पॉटिंग मिक्स बना रहे हैं उसके हिसाब से आप इसमें फंजीसाइड डाल लीजिएगा, 1 चम्मच 2 चम्मच अपने उसके प्रोपोर्शन
प्रिकॉशन के हिसाब से इसमें फंजीसाइड पाउडर जरूर मिलाइएगा, और साथ ही मैंने इसमें नीम खली भी मिलाई है। नीम खली से भी हमारे सारे पेस्ट और इंसेक्ट्स के लिए हमको रोकथाम में इसका फायदा होता है। और मैं अभी सरसों खली यहाँ पे रखना भूल गई हूँ, मैं थोड़ी सी इसमें सरसों खली भी मिलाऊंगी। अगर सरसों खली हो तो आप मिलाइए, नहीं हो तो आप बाद में उसका लिक्विड फर्टिलाइजर भी पूरे विंटर भर इसमें बना के अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो मैंने डाला है वो इसमें मिलाया है मैंने एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट जो होता है वो हमारे प्लांट्स के रूट्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बना देता है। जब हम प्लांट को रिपोर्ट करते हैं या कोई हम नया प्लांट लगाते हैं तो वो हमारा शॉक से भी निकालने के लिए इसके फायदेमंद होता है। और वैसे भी मैग्नीशियम सल्फेट के बहुत सारे फायदे हैं, उसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के ज़रूर बताऊंगी कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं हमारे प्लांट्स के लिए। तो इसमें आप एप्सम सॉल्ट भी मिला दीजिएगा। तो आप देख सकते हैं इन सबको मिला के हमारी जो सॉइल है वो बहुत ही ज़्यादा रिच बन जाएगी और फर्टाइल बन जाएगी, जो हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही बढ़िया सिद्ध होने वाली है। तो बस फ्रेंड्स, ये मैंने अपने कुछ पॉट्स भी खाली करके रख लिए हैं, देख सकते हैं सारे ही मैंने इनमें बहुत ज़्यादा होल्स बना लिए हैं। अगर आप प्लास्टिक के पॉट्स फ्रेंड्स यूज़ करते हैं तो आप देखिए ऐसे इसमें बहुत ज़्यादा होल्स बनाई हैं, जिससे कि आपका जो पानी है वो बहुत अच्छी तरीके से ड्रेन होता रहे। तो अभी कुछ प्लांट्स तो मैं रिपोर्ट करने वाली हूँ अपने क्रिसेंथीमम के, बहुत जल्दी आप लोगों के साथ उसका मैं अपडेट शेयर करूंगी। और अगर आज आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस करने हो तो आप मुझसे प्लीज़ कमेंट में पूछ सकते हैं। जल्दी किसी और नए वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।